हेलो जी, स्वागत है सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आने वाले थे पीले वाले, तो हम कर रहे थे उनके खाने की तैयारी। खाने में बनानी थी दो सब्जी और रोटी रायता, और कुछ मिठाई भी थी जो बनी बनाई मंगवाई थी, क्योंकि भाई कोई आए तो देखो उसका खाना पीने का काम तो करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए चाहिए। तो बस सिचुएशन ऐसी थी, कुछ फंक्शन वगैरह कर नहीं पाए, तो घर पे ही उन लोगों के लिए खाने की तैयारी की थी। और खाने में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और पनीर की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी थी वो फ्राई करके बनाई थी, और पनीर की बनाई थी, और पालक का बनाया था रायता। तो यहाँ पर कर रही थी मैं खाने की तैयारी, और नीति फिर भर के लाई मैं पानी, क्योंकि दो गड़ पुजवाई थी। तो मम्मी बोली एक बार दो गड़ भर के रख दे, फिर मैं बीच में एक बार जाके दो गड़ भर के रख आई। और भी बीच में बहुत सारे काम हो रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मम्मी बोली कि पहले पूजन के लिए ना थाली भी तैयार करके रख दे। तो मैंने वो थाली भी, हल्दी वगैरह, पानी का लोटा वगैरह, और जो धागा था बांधने वाला वो रख दिया था। बीच बीच में सब्जी भी बनती रही, और बीच बीच में और जो एक्स्ट्रा काम थे वो भी करती रही। और यहाँ पे नहीं थी, अपने रील बनाने के चक्कर में थी, लेकिन इसको भी रील बनाने का कोई टाइम नहीं मिल रहा था। फिर दादी आई थी, दादी के लिए बनाई चाय। मैंने कहा चलो दादी को इतने चाय दे देती हूँ, क्योंकि तब तक वो लोग आए नहीं थे। और मम्मी कर रही थी तगाजा कि थारी सब्जी ना बनाएगी। मैंने कहा मम्मी आएंगे तब तक तो बनी जाएगी, अभी नहीं आ रहे। और एक सब्जी बन के हो गई थी रेडी, दूसरी सब्जी की चल रही थी प्रोग्रेस, चल रहा था। और तब तक फिर नीति लग गई थी आटा लगाने, बोला अब तो टाइम काफ़ी हो गया, मैं आटा लगा के रख दूँ। मैंने कहा लगा ले, आटा भी लगाना ही है, फिर एकदम से ज़्यादा काम हो जाएंगे। बोली ठीक है मैं आटा लगा दूँ। नीति ने आटा लगाया, तब तक मैंने पनीर की सब्जी बना के कर दी थी रेडी। और फिर जो उन लोगों के कुछ डब्बे वगैरह डालने थे बीच में, वो भी डालती रही मैं साथ की साथ। मैं नीति से बोल रही थी स्लैप ना रोक के मत बैठा, नीचे बैठ कर आटा लगा ले, क्योंकि स्लैब पे पहले ही बहुत कुछ सारी स्लैब ना बिखरी पड़ी थी। कुछ भी हो, कुछ बना हुआ तो सारे रसोई, कितनी भी बड़ी रसोई हो वो भी छोटी पड़ जाए। बस फिर उसमें लास्ट रह रहा था पनीर डालना, तब तक मैं सोची पनीर को काट के और गर्म पानी में डाल दूँ तो ये थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। बस वो ही कर रही थी कि बोली तू तो मोटा मोटा काट के गिरन लग रही। मैं कहना मोटा ना काट रही, सही काट रही हूँ जल्दी जल्दी मैं। और फिर उसने लगा दिया था आटा, बोली वो आटा का काम भी हो गया। मैं कहा चल हो गया तो ही आएंगे तो चाय पानी का ही काम बचेगा। फिर उसने अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई दी उसमें, क्योंकि यह जब तक तो कुछ अलग ना करे ना तो इसने चैन ना पड़े। फिर वो पीपली बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया और लोई बनाई। फिर वे आ गए थे तो उनकी मम्मी खड़ी थी बाहर, क्योंकि वो लोग आए थे, वो जो पानी डालते हैं दोनों साइड वो वाली रस्म करी थी बेटी ने, क्योंकि कोई भी नहीं बुला रखा था, कुछ कराया ही नहीं था, तो फिर बुला के क्या करते, तो इस वजह से कुछ नहीं किया था। फिर वो बेटी ने वो करके, फिर भाभी यार आ गई थी अंदर, और बच्चे भी आए थे उनके साथ। छोटी वाली भाभी के तो बच्चे हैं नहीं, तो बड़ी वाली भाभी के आए थे और बीच वाली भाभी के, दोनों के बच्चे आए थे। और छोटी वाली अभी, इसकी 2 साल हुई है शादी को, अभी इसके कोई बच्चा नहीं था। और फिर दादी बैठी थी बाहर, तो पहले इन्होंने दादी के पैर छुए, फिर ये आई अंदर। तो नीति इनके आगे आगे आ रही थी, नूबिना इनसे पन्नी तो लेकर रख लो कम से कम। और मैं बोल रही थी नीति ते कम से कम पन्नी तो लियो आ ले एक दो। बोली फिर ये लोई का काम करके मैंने पीपली का काम कर दिया था। मैंने कहा ये बना दिया दादी ने, जैसे बनाई बताई मेरे तो वैसे मैंने बना के कर दी थी रेडी, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और फिर उधर कर दी थी नाश्ते की तैयारी, नाश्ते में थी नमकीन बिस्कुट और बर्फ़ी। तो तब तक सोचा एक बार पहले कोल्ड ड्रिंक दे दी थी बाहर भी, जो भाई हर आए थे उनको भी, और अंदर भाभी हर से भी। फिर साथ की साथ मैंने कहा चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद फिर जो रस्म है वो कर लेंगे, फिर उसके बाद खाना कर देंगे। फिर हम देखा है बाहर चाय, मैं और नीति, पता नहीं चाय के देने के टाइम पर सब कुछ छुप गए थे। फिर बाहर दे कहने के बाद फिर हमने डाली अंदर के लिए, बच्चों के लिए और भाभी के लिए। कि और बर्फियाँ देख कर तो नीति का मन तो कति फिसड़ सा रहा था, गुलाब जामुन का डिब्बा तो मैंने खोलिया ही ना, नहीं तो फिर इसको और ज़्यादा मन में आ जाती।
मैं कहा चाख ले कि इतनी मन में आ रही है तो तेरे खान की, बोली ना चख्या तो फिर जीव ऐसा हो जावे है, बस देखने में ही अच्छी लाग रही है। फिर भाई ज्योति हो गई थी तैयार, और जो ड्रेस सूट आया था ज्योति ने वही डाला था, साड़ी ने डाली थी। और फिर इसकी जो रस्म थी दोगड़ पूजन की, उसके लिए लेके गए थे इसको बाहर, गेट से बाहर ही थी दोगड़, ज़्यादा दूर भी नहीं चलना था। और हंसी आ रही थी नीति ने, तो वो साथ में ज्योति ने भी हंसी दीवान लाग रही थी कि क्योंकि ज्योति ने भी हंसी आ रही थी कि, और ज्योति तो चाल ही वैसे भी तेज हैगी स्पीड ते। और फिर उसके लिए लेके आए थे नीचे, बोले बैठा ना जाओगा तो इसलिए लेके आए थे मुड्डी। और फिर दादी ने जो रस्म थी वो करवा दी थी, वो नीचे उतार के रख के जो रस्म होया करे वो करवा दी थी। जैसे दादी ने बताया था ज्योति ने वैसे ही कर दिया था, भाई जो साते वगैरह निकालना, धागा वगैरह बांधना जो होता है इसमें वो सब कर दिया था गा। तो बस वो ख़त्म करके फिर सोच रहे थे कि अंदर जाके एक दो फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन ना सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि फ़ोटो भी क्लिक करने का टाइम नहीं मिला। ये रील भी बस ये वीडियो भी क्लिप भाभी वगैरह से ही निकलवाई थी, एक दो मिनट के इस बच्चे की याद तो रहेगी। फिर ज्योति ने जोड़ी में से बाजरली काट के और साथ कुंडी करके जो पानी से भवाई करे थोड़ी सी दूर तक वो कर दिया था। बस ये दादी बोली बस इसके बाद ये पानी भरना है इसमें और फिर पानी अंदर ले जाना है, और पानी की बनेगी शाम ने ज्योति के लिए खिचड़ी। मैंने कहा ठीक है दादी। यहाँ पे उतार दी थी फिर ज्योति की नून राई, अंदर आने के बाद नून राई उतार के बच्चों को जो पांच लड़कों को बाजरा हाथ में दिलाते हैं वो दिला दिया था बच्चों को, बुला बुला के ढूंढ के। और दक्षु तो ले ही नहीं रहा था, दक्षु को तो शर्म आ रही थी। फिर ये भाभी को दिया था बाजरा, जो जोड़ी का बाजरा देते हैं वो, और बाकी की फिर जोड़ी निकाल के दादी ने मम्मी से दे दी थी कि बोली इसने रख ले, अंदर रख दिए इसने। और दादी तो दिए थे फिर ज्योति ने पैसे। और यहाँ पे बच्चे लग रहे थे झूले पे कसूते डाल इसका, तो अब बस आज तो हमने इसमें ही सोना है, बस ना चल, नहीं तो तीनों चारों इसमें ही सो जावे। पर एक दक्षु है इस, ये तो आराम से बैठ के इसमें झूलन लग रहा था। मगर तू झूल ले, तू पालने में भी बहुत ना झूलिया है और तू झूल ले, क्योंकि नोनू तो भाई जब तक बड़ा हुआ था पालने में रहा था, कुशाल भी बहुत कम रहा पालने में,
और दक्षु तो हमारा कतई कम रहा है, तो इसलिए उसने पालने का शौक चढ़ रहा था, वो लाग रहा था उसमें झूला झूलन, और खुशहाल वो झूला रहा था। और यहाँ पे ये सामान रखा था जो भाभी हर लेकर आई थी, तो नोनू तो देख रहा था खिलौने, खिलौने देखने की ताह में था। तब तक हमने सामान पे कुछ ढक दिया था, और यहाँ पे हो गया था फिर खाना तैयार। तो सोचा पहले भाभी और बच्चों को खिला दे खाना, फिर उसके बाद भाई हर को बोल के खिला देंगे। तो यहाँ पर लगा दिया था उन लोगों के लिए खाना, फिर भाभी हर ने खाना खा लिया था और बच्चों को भी खिला दिया था। तकरीबन सभी को खिला के काम ख़त्म कर दिया था, और मैं नीति रह रही थी। नीति बोली आ तो मैं भी डाइनिंग टेबल पर खाऊंगी, रोटी खाओ ना और फिर हमने भी खाना खा लिया था। फिर भाभी अर ने कर ली थी जाने की तैयारी, तो उनका सारा सामान गाड़ी में रख दिया था और उनको बैठाने के लिए जा रहे थे बैठा के। फिर उसके बाद मैं और नीति लग गया था अपना काम समेटने के, जरूर रह रहा था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा काम खिंड गया था, तो सारा काम समेट कर ही सोना था। रात के बज गए थे हमने 11:30-12। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगली वीडियो कल या परसों देखना।